नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारालाल। अभी मैं गोरखपुर में हूं और मिर्जापुर से चल के गोरखपुर में सोनभद्र से है ना, सोनभद्र से चल के गोरखपुर में आई हैं। बहुत अच्छा लगा इतना दूरी तय करके। और इनके चैनल पे आप लोग देखे होंगे कि रेणु निषाद जी का बर्थडे था, उसी में सब लोग आए थे। बड़ा अच्छा लगा, सब लोग से मिले हैं, बहुत अच्छा लगा। इतना दूर कैसे आप आ गई? क्योंकि मैं गोदांगी भैया का कॉमेडियन जो वीडियो चलता है उनके ग्रुप से जुड़ी हुई। अच्छा, उनसे मिलने के लिए? हाँ, उनसे मिलने के लिए आई। तो उधर टहलत हुए मिल लू है? मिल चुके हैं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ए बाबा, गोदांगी बाबा इधर आओ, स्वागत है। ध्यान नहीं दे रहे आई आपसे मिलने के लिए, इतना दूर आई है और आप जो कि मिल ही नहीं रहे हैं। ये हमारे बहन है, भाई बहन का तो मिलन बचपन से हो जाला। तो हाँ, ये है कि बहुत दूर रहनी है। राखिया के दिन गला लगा कुछ लेके राखी के दिन हम नहीं जा पाए थे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत लोग आए थे, हम नहीं जा पाए, शाम हो गया, राखी बनवाते बनवाते। और आज अगर हम यहाँ आए भी हैं तो एक रेणु जी बार बार फोन कर रही थी और मेरा गाड़ी बिगड़ गया था, लेकिन मुझे पता कि जूही आई है। कल रात को यहाँ के सुबह यही गार्डन में थी, तो मतलब आज जो है हम फोन भी किए थे, आप भी फोन किए थे, हम बोले इतने दूर आ गए, उस समय मेरी गाड़ी बिगड़ी थी, हम नहीं आने वाले थे, ये दूसरी गाड़ी मंगाए हैं, तो आए चले के कहियो इनके घरे सोनभद्र में, चलिए पहाड़ सहाड़ खूब देखल जी, घूमल जी, कूदल जी, पहाड़ पल्ले बड़ा मजा आई। तो ये हमारी बहुत अच्छी बहन है, तोरे पहाड़ में घर जितना भी तारीफ करे भैया उतना कम है। मेरा कुछ वादा है, अभी तो मैं उस लायक नहीं बना हूँ, जिस दिन मैं उस लायक बनूंगा, ये मेरी बहन है और भी मेरी बहन है और भी लोग हैं, मैं सबको चैनल को मैं खुद सपोर्ट करूंगा, भले कोई सपोर्ट करे चाहे ना करे, लेकिन हृदंगी बहुत जरूर सपोर्ट करे। लेकिन इनके घर चलेंगे हम लोग, लाल बालू देखने को मिलेगा, यहाँ सफेद बालू मिलता है, लाल बालू मिलेगा, लाल बालू में, लाल बालू में चलिए। निराश आप मत होना, आपका भाई किसमें कन्हर बांध परियोजना का नाम सुना हो आपने? अरे एकदम, हम आवे करें कहीं से आ ना पाओ, आई बस हमारे घर के जस्ट बगल में ही है कन्हर बांध परियोजना, मेरा परी इनके लेके आई। जो कन्हर बांध पड़ता है मेरे घर से बस 10 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, और मैं वहाँ पे जाती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ, एक छोटा सा। अच्छा, चौकियाँ का चंदौली चकियाँ के आगे नहीं, चौकियाँ तो जौनपुर में, चकिया चंदौली नहीं वहाँ, उसके बाद एक बांध है ना, ओवरा डैम, ओवरा डैम का नाम सुनोगे? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग के यहाँ जहाँ से इनका वीडियो डेली आता है उस जगह पे हम लोग भी पहुँचेंगे, आप लोग का आशीर्वाद देखते हैं कब मिलता है और हम लोग कब पहुँचते हैं। अगर इनके चैनल को सपोर्ट मिल जाएगा तो बड़ा जल्दी पहुँचेंगे। आप लोग देखिए बहुत ही मतलब, हम लोग तो फिर भी ठीक है, भगवान का आशीर्वाद, हम लोग का चैनल ठीक ठाक चलता है, लेकिन मेरी बहन का चैनल बहुत लूज चलता है, तो आप लोग मेरी बहन का चैनल को सपोर्ट करो। और बाकी मैं जिस दिन उस लायक हो जाऊंगा, बहुत मेरी जिम्मेदारी है, देखिए मैं बड़ा भाई हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, बड़ा भाई पिता के भी जो होते हैं, तो बहुत मेरी बहनें हैं, मैं सबका सपोर्ट करूंगा और मैं सोचूंगा कि जितना लेवल मुझे मिलेगा उससे ज्यादा इन लोग को मैं लेवल दिलाऊंगा। और हम तो चाहते हैं कि बस खाली हम लोगों को वीडियो कोई देखता ही नहीं। अरे तो आर का हमरो ना केउ देखला, हां हमरो ना केउ देखला, बस खाली एक आध चल जाला तो चल, हमको तो चलता है, एक आध को चल जाता सौ को में, एक तो तनु वैसे चल। भोजपुरी कोने होदंगी बाबा सभी को पैट के प्रणाम करते हैं, जेके यूपी 64 के आप लोग सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, बहन है और बहुत दूर से आए हैं, और हमारा गाड़ी भी खराब हो गया था, अगर ये लोग नहीं आए तो शायद हम वहीं से घूम रहे थे, लेकिन क्या करें, दूसरी गाड़ी मार के आए हैं तो चले, अब केक कटने जा रहा है तो। और अपने मोबाइल में हम बनाए हैं तो डालेंगे अपने चैनल पे, और मेरे चैनल का नाम है राधिका पासवान, तो एक चैनल का नाम है पासवान विवेक, तो प्लीज आप लोग चाहे सब्सक्राइब कीजिएगा चाहे ना कीजिएगा, चाहे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा या ना कीजिएगा, लेकिन एक बार मेरी आईडी जरूर चालू करके देखिएगा। नमस्कार, वीडियो कैसा बनाते हैं? मैं अंगारा लाल और मैं गाजीपुर से चल के गोरखपुर में आया हूँ, और भैया जी अंबेडकर नगर से चल के गोरखपुर में आए हैं, और हमको लग रहा है कि दूरी सेम ही है क्या हम लोग? हाँ हाँ हाँ, नहीं सेम ही, सेम ही 150 किलोमीटर दूरी से हम आए हैं, 150 आपका होगा, 80-90 मेरा होगा, आधा होगी ना, आधा आधा। तो आप लोग सपोर्ट करिए इनके चैनल पे, बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाते हैं और ब्लॉग के साथ साथ सिंगिंग करते हैं, और उसके साथ साथ हृदंगी बाबा है जो कि कॉमेडी का भी कुछ कुछ रोल मिलेगा। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, तेजी बोलेंगे ना, आप बोलो तेजी से लग जाएगा। ए भैया, तो दोस्तों आप लोग प्लीज भाभी जी के चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, क्या JSK UP64 यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज आप लोग इनको सपोर्ट करिए, लाइक से जरूर करिए। चलिए धन्यवाद।
सभी लोग का इनके चैनल में स्वागत है। क्या नाम है? जीएसके यूपी 64 में ये बहुत मेहनत करती हैं, वीडियो बनाती हैं, तो आप लोग प्लीज शेयर करें। आपसे मिलने दुद्धी से आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने दूर दूर से लोग आए हैं। और हम चाहते हैं कि आप मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं दिल से सपोर्ट कीजिए। अब दुद्धि से गोरखपुर आई है, भैया लोग को भी सपोर्ट करिए ताकि हम भैया लोग भी बढ़े। हेलो दोस्त, दीदी के चैनल में दिल से स्वागत है, पैर छू के प्रणाम है। और बताइए आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्त हम लोग मिले हैं आज महदीपुर बी पार्क में और बहुत अच्छा लग रहा है दीदी से मिल करके। आप लोग जैसे दीदी को प्यार दुलार दे रहे हैं वैसे ही हमारे सुनीता यूपी 53 में भी आप लोग जाके सर्च कीजिए और प्यारा प्यारा वीडियो आता है, कोई अश्लील वीडियो नहीं रहता है। वीडियो देखने के लिए ऐसे बने रहिए आप। बाय। सुपर संजू इनका चैनल का नाम है और इनका चैनल पे आप प्यार दुलार बनाइए। और मेरा भी चैनल का जैसे कि जान रहे हैं जेएसके यूपी 64, तो आप लोग मेरा भी चैनल के ऊपर सपोर्ट कीजिए, प्यार दुलार बनाए रखिए। फिर मिलेंगे कभी। देखिए दोस्तों कितने भीड़ लगा हुआ है। बहुत अच्छा।